हेलो एस्पिरेंट्स, जैसा हम सभी को पता है 3 महीने बचे हुए हैं यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, और सभी के मन में एक डाउट होगा कि यार इस टाइम क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ दिया जाए, एक कंफ्यूजन जैसी स्थिति क्रिएट होती है। इसके साथ साथ सभी लोगों की कोई ना कोई प्रॉब्लम भी साथ में है, तो डिस्कस करते हैं उन्हीं सब प्रॉब्लम्स पे। मेरा नाम प्रमेश जैन है और आप ये लेक्चर देख रहे हैं प्लस प्रमेश ई लाइब्रेरी पे। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ मोटिवेशनल आपको सुनाना चाहूँगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हमें अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा हर कदम पे, क्योंकि ये परीक्षा का समय है। ये 3 महीने में आप जो करेंगे उसी का फल आपको एग्जाम में मिलेगा। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या हम गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम या मिस्टेक होती है, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि हम जनरल स्टडीज में अभी भी वीक हैं और 3 महीने बचे हुए हैं। कुछ लोगों की अलग ही प्रॉब्लम होती है, उनका कहना होता है कि मैंने करंट अफेयर को फॉलो नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने करंट अफेयर पे ध्यान नहीं दिया। तो इस समस्या से कैसे निपटेंगे ये भी हम आगे अभी देखेंगे। फिर कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सर मैंने जनरल स्टडीज़ भी पढ़ा हुआ है अच्छे से, मैंने करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट मॉक टेस्ट नहीं लिए। सो ये बेसिकली कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, मैं इसको प्रॉब्लम की कैटेगरी में नहीं डालता हूँ। बस ये थोड़ा सा डर होता है जिसको हमें निकालना होता है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। फिर इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है कि मैं सीसेट पेपर 2 के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इस चीज़ के लिए नहीं हूँ, यानी कि मैथ्स एप्टीट्यूड रीजनिंग इन सभी चीज़ों में अभी हमारा फोकस नहीं हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि शायद मेरा ये पेपर 2 की वजह से सिलेक्शन रुक जाए। तो इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे कि इस चीज़ को कम से कम समय में कैसे हम पार कर सकते हैं। फिर उसके अलावा ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आई एम नॉट वीक इन जीएस, मैं ना तो जनरल स्टडीज़ में वीक हूँ, मैंने करंट अफेयर भी बहुत अच्छे से फॉलो किया है, मैंने मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छे से लिए हैं, लेकिन मैं मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, यदि ये आपके साथ है सो आपको ये वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जनरल स्टडीज अच्छे से पढ़ लिया है, करंट अफेयर भी आप फॉलो कर ही रहे हो, आपने मॉक टेस्ट भी लिए हैं, लेकिन उन मॉक टेस्ट में आपके नंबर नहीं आ रहे। सो ये कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। फिर उसके अलावा प्रॉब्लम हो सकती है कि मे बी आई एम नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली, मैंने यहाँ एक शब्द डाला है मे बी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक जब भी आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो किसी चीज़ के लिए तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन ही होता है। सो वो कंफ्यूजन को शो कर रहा है ये शब्द मे बी। और यहाँ फिर कुछ लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि आई नीड सम मोटिवेशन, अभी उनको मोटिवेशन भी चाहिए होता है। सो जिनकी ये प्रॉब्लम है आई नीड सम मोटिवेशन, उनके लिए ये स्लाइड डली हुई है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और भी मोटिवेशन चाहिए तो आप थोड़ा सा एक आध दो स्टोरी समझ लें, इस पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। जो मेन प्रॉब्लम है, अब बढ़ते हैं हम उन मेन प्रॉब्लम्स की तरफ। सबसे पहली प्रॉब्लम, आई एम वीक इन जीएस। अगर आपको लगता है कि आप जनरल स्टडीज़ में वीक हैं तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होना चाहिए? जो पहली चीज़ है, आप ये मत सोचो कि कोई भी जनरल स्टडीज़ में परफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है 200 मार्क्स का, आपका जीएस पेपर 1 होता है और वहाँ 105-110 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि 50% यदि आप मार्क्स ले आते हो वहाँ तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। सेम इन मेंस एग्जामिनेशन, आपका 2100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और वहाँ आप 700-800-900 नंबर तक ले आते हो और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा जीएस में कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता भी नहीं है, सभी गलतियाँ करते हैं। तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी मत कीजिए ये सोच के कि मैं जीएस में वीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है।
कभी कभी हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और चीज़ें हमें गलत लगने लगती हैं, क्योंकि हमें अपने मन में लग रहा है कि मैं वीक हूँ। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। जीएस में वीक जो लोग अभी हैं और वो 2020 का पेपर देने वाले हैं या देने का मन बना रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने सोर्सेस को लिमिट कर लो। जो आपके सोर्सेस बहुत सारे हैं ना, आप जैसे हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत से भी पढ़ रहे हैं, डीडी बसु भी देख रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी देख रहे हैं, और ये वेबसाइट के ये नोट्स, वो वेबसाइट के वो नोट्स, ये सब वो सब मटेरियल की बहुत ज़्यादा बम्बार्टिक है आज की डेट में मार्केट में। तो इसलिए आप अपने आप को लिमिट करके रखें किसी भी एक सोर्स पे। और अगर आपको लगता है कि आप जीएस में वीक हैं, तो आई थिंक कि आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनसे स्विच कर जाना चाहिए कोचिंग मटेरियल पे। या तो बिजन आईएएस, बाजीराम एंड रवि, इनका अगर आपको मटेरियल अवेलेबल होता है तो आप ये मटेरियल परचेस करें और इससे पढ़ें। क्योंकि ये जो कोचिंग का मटेरियल होता है, इसमें सभी चीज़ें लाइन वाइज जमी हुई होती हैं। जैसे आपको सिक्वेंस वाइज बोलना चाहिए, बेसिकली इसमें सिक्वेंस से सभी चीज़ें जमी हुई होती हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और क्योंकि ये मटेरियल स्पेशली आईएएस स्टूडेंट के लिए तैयार किया जाता है, तो उसकी अप्रोच भी वही एग्जाम की होती है। लाइक आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो वो एक बुक है जिसका यूज आप यूपीएससी के लिए भी कर सकते हो, स्टेट पीएससी के लिए भी कर सकते हो, और दूसरे एग्जामिनेशन के लिए भी आप उस बुक का यूज करते हो। लेकिन अगर बात की जाए बिजन के मटेरियल की, बाजीराम के मटेरियल की, तो वो मटेरियल सिर्फ और सिर्फ आईएएस एग्जाम के लिए होता है। सो अभी हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं, हमें अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये सभी चीज़ें जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन भी जरूर देखें। अगर हम जीएस में वीक हैं तो चीज़ें कैसे निकल के आएंगी कि हम जीएस के क्वेश्चन में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे? तो हमें सबसे पहले क्या करना है भैया, कम से कम 1000 फैक्ट पहले से रटना चालू कर दो। क्योंकि जीएस में अब हम ऑलरेडी वीक हैं, समझ समझ के पढ़ना और ये सब चीज़ें छांट छांट के पढ़ना, वो सब टाइम हमारे पास बचा नहीं है। सो हमारे पास मिनिमम 1000 फैक्ट ऐसे होने चाहिए कि उन फैक्ट का यूज करके हम अपना आंसर निकाल लें। कभी कभी क्या होता है, हमें पता है कि अकबर की माँ का नाम फलाना है। भैया अभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि बीरबल की माँ का नाम बताओ, और चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन में अकबर की माँ का नाम लिखा है, तो कम से कम आप एलिमिनेट करके तो उस चीज को हटा सकते हो ना। आपने भले नहीं पढ़ा कि बीरबल की माँ का क्या नाम है, लेकिन आपको पता था कि अकबर की माँ का क्या नाम है। इस फैक्ट का यूज करके आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। इसी तरीके से आप दूसरा नाम भी एलिमिनेट कर सकते हो, तीसरा भी कर सकते हो। तो इसलिए अपने पास जो एक आपका डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस में कम से कम 1000 फैक्ट रखो। किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुए, कितने हुए, किस अमेंडमेंट में क्या हुआ, किस आर्टिकल, जो मेन मेन आर्टिकल है उन आर्टिकल्स में क्या होता है, क्या हुआ। उसके अलावा इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्ट, हिस्ट्री के टाइमलाइनर्स थोड़े कुछ आपके दिमाग में होने चाहिए कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, फिर कौन आया। इसके अलावा पोस्ट कौन कौन सी होती थी, अब जैसे जो राजा होते थे उनके दरबार में भी पोस्ट होती थी, और उनके जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था पूरे राज्य में, उसमें क्या पोस्ट होती थी। इस तरीके के कुछ हमें फैक्ट रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमसे गलतियां ना हो और हम चीजों को एलिमिनेट भी कर पाएं। जब भी आप 1000 फैक्ट रट लोगे तो यूपीएससी एग्जामिनेशन में आप ये मान के चलो कि आपके पास 2 से 3 हजार फैक्ट का ज्ञान होगा। या तो आप फैक्ट को डायरेक्ट अप्लाई करोगे, या उस फैक्ट का यूज करके कोई एक आंसर एलिमिनेट कर दोगे और आप सही आंसर की तरफ बढ़ जाओगे। इसके आगे हमें क्या करना है, क्रिएट योर ओन माइंड मैप्स। आप अपने दिमाग का उपयोग करें चीजों को रटने में। माइंड मैप क्या होता है, माइंड मैप मतलब जैसे मैंने, अब जब भी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे केमिस्ट्री में, तो हम उसका कैसे बनाते थे, हलीना के रप्सस पर, यानी हाइड्रोजन हीलियम इस तरीके से बना लेते थे। तो ये इसी चीज़ को बोला जाता है माइंड मैप्स। आपको छोटे छोटे माइंड मैप बनाने होंगे जो कि बड़ी बड़ी चीज़ें, एक बहुत ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें कुछ कवर करते हों। अगर आपको चाहिए कि ये माइंड मैप मैं यहाँ से प्रोवाइड करवाऊँ आपके लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ आप एक मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं, अगर ज़्यादा लोग ये डिमांड करते हैं, तो माइंड मैप्स मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाने लगूंगा। फिर उसके बाद आपको लॉजिकल होना है एट द टाइम ऑफ स्टडिंग समथिंग। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है स्टडिंग, मैंने यहाँ नहीं लिखा है रीडिंग। आपको पढ़ना नहीं है, आपको चीज़ों
स्टडी करना है, स्टडी मतलब अध्ययन करना है, समझना है, उसके अंदर से खोद के चीजें निकालनी होती हैं, तब जाके वो ज्ञान काम में आता है यूपीएससी में। सो आपको लॉजिकल होना पड़ेगा कि भाई महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों बंद कर दिया, क्या रीजन था। तो ये क्या होता है, एक लॉजिक होता है, आपके पास लॉजिक होना ही चाहिए हर चीज में, आपको पता होना चाहिए चीजें क्यों हो रही थी, क्यों हो रही हैं और आगे क्या हो सकता है। तो आपको हर चीज में लॉजिकल होना पड़ेगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट होता है या कुछ आपका प्रश्न बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में, फिर उसके अलावा जो अगली प्रॉब्लम आती है करंट अफेयर्स की, कि भाई जिस तरीके से करंट अफेयर पढ़ना चाहिए था उस तरीके से तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब उस तरीके से नहीं पढ़ा तो हमारा क्या हो गया, वो पार्ट कमजोर हो गया और करंट अफेयर में से क्वेश्चन आने ही आने हैं, और कम भी नहीं आने, बहुत ज्यादा आने हैं। हमने पढ़ा नहीं है तो ये श्योर है कि सिलेक्शन नहीं ही होगा। अब हमें चाहिए सिलेक्शन, सिलेक्शन चाहिए तो हमें करंट अफेयर मस्ट है, 100% जरूरी है, बिना करंट अफेयर के सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ जो हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, सबसे पहले करंट अफेयर कवर नहीं है, दिमाग पे प्रेशर आया, हमने अपना होश खो दिया, अब नहीं हुआ मेरा करंट अफेयर। फिर हमने क्या किया, जब हमारा दिमाग अशांत है, हमारा दिमाग इस सिचुएशन में नहीं है कि हम डिसीजन ले पाए, हमने उस सिचुएशन में एक डिसीजन लिया कि मैं एक काम करता हूँ कि जितने भी पुराने न्यूज़पेपर मेरे बॉक्स में पड़े हुए हैं मैं उन सबको पढ़ना चालू करता हूँ, या फिर जो करंट अफेयर के डेली करंट अफेयर वीडियोस पड़े हुए हैं पुरानी तारीखों के मैं उनको देखना चालू करता हूँ। तो यहाँ जैसे ही आपने ये किया कि आपने पुराने न्यूज़पेपर पढ़े और पुराने डेली करंट अफेयर के वीडियो पढ़े, वहीं आपने गलती कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको लेक्चर्स देखने हैं, लेकिन आपको देखने हैं मंथली करंट अफेयर के लेक्चर, अब जो लास्ट मंथ भी है ना उनके भी मंथली करंट अफेयर के लेक्चर देखने हैं। जैसे ही आप ये कवर कर लेते हो तो आप ये ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ अभी मैं करंट अफेयर में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊंगा। उसके अलावा कई बार क्या होता है, क्वेश्चन करंट अफेयर का होता है लेकिन उसका नेचर स्टैटिक होता है, जैसे कि आप एक बस आपको एक छोटी सी लिस्ट बना लेनी है करंट अफेयर्स, अगर आपने कवर नहीं किया है तो वो लिस्ट में क्या होगा, कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे NSO क्या है, NSSO क्या है, उसके अलावा UPSC क्या है, तो जितनी भी इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO क्या है, फांसी क्या है, तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन की आपको लिस्ट बनानी है, इनका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, सरकार इनको फंड कर रही है नहीं कर रही है, ये सभी चीज़ें आपने कर लेनी है। अभी भी डरने की कोई बात है नहीं, क्योंकि अभी विजन IAS जिंदाबाद है। विजन IAS हर साल लाता है PT 365 कोर्स, वो कोर्स का जो मटेरियल होता है वो मटेरियल लास्ट एक साल का करंट अफेयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है, जिसमें कि हमें डरने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो हमें या तो विजन IAS की वेबसाइट पे जाना है और उनका वो कोर्स ज्वाइन कर लेना है, कोर्स अभी एक आध महीने बाद आएगा, तो हम क्या हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे कि चलो विजन IAS से हमारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा, या फिर उसके जो नोट्स होते हैं PT 365 के वो हमें परचेस कर लेने हैं, तो हम इस तरीके से करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हमारा करंट अफेयर रेडी नहीं है तो हमें एटलीस्ट 20-30 करंट अफेयर के मॉक टेस्ट देने ही हैं, बाय हुक बाय क्रुक, कैसे भी हमें, मतलब 20 ये जो मैंने लिखा है ये मिनिमम नंबर है, अगर करंट अफेयर कवर नहीं है तो आप इससे 2x और 3x टेस्ट भी दो, क्या होगा, टेस्ट में नंबर भले ना आए लेकिन जब भी आप उसका सही आंसर पढ़ोगे तो आपका करंट अफेयर तो प्रिपेयर हो ही रहा है ना भैया। कितना ही पूछेगा यार, करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई चीज़ें हुई नहीं होती हैं, और अगर 20-25-30 मॉक टेस्ट भी देते हो ना तो क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे। जो गवर्नमेंट स्कीम है उनकी एक लिस्ट अभी आएगी, तो वो लिस्ट आप बिल्कुल प्रिपेयर करें, रेडी रखें, और साथ में मैं भी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है उन सबका एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो भी देखें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब का बटन है, उसके बगल में बेल आइकन है, दोनों दबा के फ्री हो जाओ, जिस दिन भी मैं वीडियो डालूंगा उस दिन आपको क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन, और तुरंत देख के कवर कर लेना। इसके बाद ये करंट अफेयर वाले में मैंने एक चीज छोड़ दी है, आपको बताना मैं भूल गया, अभी बता देता हूँ कि भैया सबसे बड़ा क्वेश्चन कि करंट अफेयर पढ़ना कितने महीने का है, यानी क्या कितने साल का पढ़ना है। सो सही
अप्रोच और सही स्ट्रेटजी ये होती है कि मिनिमम 2 साल का करंट अफेयर आपके दिमाग के डेटाबेस में भरा हुआ होना चाहिए और ऑन डिमांड बाहर निकलना चाहिए, कितना लास्ट के 2 साल का मिनिमम। लेकिन फिर भी आप अभी 3 महीने बचे हैं, हो सकता है कोई और भी प्रेशर हो, तो आप कम से कम 1 साल का करंट अफेयर आपने करना ही पड़ेगा, यानी कि लास्ट मई से आपको उठाना चालू करना है और अभी एग्जाम के 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर आपके दिमाग के डेटाबेस में सेव होना चाहिए और ऑन डिमांड बाहर निकलना चाहिए। ऑन डिमांड बाहर कब निकलेगा? जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। अब बात करते हैं अगली समस्या की। यहाँ जो समस्या है वो है मॉक टेस्ट कि सर मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए। तो भैया ये कुछ नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है। क्या है, आपके दिमाग पे है एग्जाम का प्रेशर, तो आप डरे हुए हो। क्या होता है, कभी कभी हमें पता भी होता है कि चीजें कहाँ गलत हो रही हैं या क्यों गलत हो रही हैं, फिर भी हम जाते हैं अपने मम्मी पापा से बोलते हैं मम्मी पैर दुख रहा है। आपको भी पता है कि कौन सी दवाई लगानी है, मम्मी भी वही दवाई बताती हैं आपकी, और फिर आप वही दवाई लगा भी लेते हो। सो बस ये क्या होता है, जब भी हम छोटी सी भी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग को, मतलब हमारा दिमाग ऐसे हो जाता है कि हमें अपनी बात पे भरोसा नहीं रहता। तो वही चीज़ है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, अपने पास इनफ टाइम है, 90 दिन बचे हुए हैं, लगभग 3 महीना अपने पास अभी बचा हुआ है, जहाँ हम 30,000 से 50,000 क्वेश्चन इजीली लगा सकते हैं। उसके बाद अभी यही चीज़ है कि आपने मॉक टेस्ट अरेंज करने हैं और सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। लेकिन यहाँ हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लिए, मॉक टेस्ट सॉल्व करने का टाइम हमें सुबह 10 बजे बैठना है मॉक टेस्ट सॉल्व करने और 12 बजे खत्म कर देना है कम से कम एक पेपर। उसके बाद भी करना है हमें मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट लेने हैं, लेकिन दिन का पहला मॉक टेस्ट हमें 10 बजे ही लेना है, उसके पहले नहीं लेना, उसके बाद में भले कितने भी लेते रहें। क्यों, क्या होता है कि हम जब भी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो रात भर जग रहे होते हैं, दिन भर सो रहे होते हैं, तो इस हिसाब से हमारे दिमाग जो होता है वो उस 24 घंटे के रूटीन का आदी हो जाता है। फिर जब हम मॉक टेस्ट घर पे लगाते हैं तो क्या करते हैं, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, अगर मेरा सबसे बढ़िया समय 6 से 8 बजे है शाम को, तो मैं उस टाइम लगाऊंगा, अच्छा स्कोर करूंगा और सोचूंगा कि अभी तो मैं एग्जाम हॉल में भी अच्छा करूंगा। बट ऐसा नहीं होता, हो सकता है कि सुबह 10 बजे के लिए आपका खुद का दिमाग प्रिपेयर ना हो उस चीज को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम 10 बजे से चालू होता है और 12 बजे खत्म होता है जीएस पेपर 1, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसी टाइम पे लगाएं और आप अपने दिमाग को इस तरीके से आदी बनाएं कि वो 10 बजे से 12 बजे तक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। ये आपके दिमाग का मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का। अब बढ़ते हैं आगे। ये जो 10 बजे से 12 बजे तक का टाइम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि आपको अपने दिमाग से कैसे काम लेना, क्योंकि दिमाग को भी आदत होती है ना चीजों की। हर रोज हमें कैसे पता चलता है कि ये अब नेचर कॉल है, और उसी टाइम पे लगभग पता चलता है, क्योंकि हमारे दिमाग को सब पता है कि अब हमें क्या करना है। हर रोज 10 बजे लगाएंगे, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन भी हमारे दिमाग को पता होगा कि चलो अब मॉक टेस्ट का टाइम आ गया, और वहां भी दिमाग वैसे ही वर्क करेगा। अब बात करते हैं सी सेट पेपर 2 की। जिनको ये प्रॉब्लम है कि उनका सी सेट पेपर 2 की तैयारी नहीं है, उनको डरने की बहुत खासम खास जरूरत है नहीं, क्योंकि ये बहुत माइनर इशू है। अगर आप चाहो तो 40 से 50 घंटे के अंदर ये चीज़ आप इजीली कवर कर सकते हो। करना क्या है, कुछ नहीं करना, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठाओ, सॉल्व करना चालू कर दो, उनका सॉल्यूशन देखो। मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं इस चीज़ के लिए, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से खरीद सकते हो लास्ट ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर। आपने वो बुक परचेस करी, अभी मैं तो कहता हूँ वीडियो देखने के तुरंत बाद परचेस करना आप अमेजोन से वो बुक। लिंक भी मैं चलो डिस्क्रिप्शन में इसकी भी दे दूंगा, अमेजोन पे जाना है, ये बुक परचेस करनी है और तुरंत से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देने हैं हमें। जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें सीख लेना है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को या पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, और वही चीज़ हमें सीख लेनी है। अगर हम चाहें तो इक्का दुक्का टॉपिक स्किप भी कर सकते हैं, जैसे हमको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो चलो छोड़ दो, क्योंकि यूपीएससी में ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रेशर लेना भी नहीं चाहिए और होता भी नहीं है।
कि सी सेट सी सेट सी सेट, ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। बट एक चीज हमेशा याद रखें कि यूपीएससी के सी सेट पेपर टू में बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं, इवन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो साल भर ये सोचते हैं कि ये तो मेरा ही सब्जेक्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, प्रैक्टिस करके जानी ही जानी है। और यहाँ मैं जिस चीज पे फोकस करूंगा वो चीज है कि आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये चीज आपको दो तरीके से फायदा पहुंचाएगी। एक तो आपका पेपर में क्वेश्चन सही से सॉल्व कर पाओगे आप अपने एग्जाम में, और दूसरी चीज जब भी आप जीएस का कुछ पढ़ रहे होगे या करंट अफेयर का कुछ पढ़ रहे होगे, तो उस समय आप चीजों को एक बार पढ़ोगे और उसका पूरा समरी निकाल लोगे, आपको चीजों को दो तीन चार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ो ही मत, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा कवर कर लो, है ना। भले सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ दो, भले क्लॉक छोड़ दो, भले कुछ भी छोड़ दो, आप इक्का दुक्का टॉपिक आप छोड़ सकते हो, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मत छोड़ना। ये आपको दो जगह फायदा देगा, सबसे पहले सीसेट पेपर टू में तो देगा ही देगा, ये तो बनी हुई बात है, और उसके अलावा हमारा माइंड सेट ऐसा हो जाएगा कि हम किसी भी चीज को एक बार पढ़ेंगे और उसका समरी निकाल लेंगे, तो ये चीज आपको वहां भी लाभ पहुंचाएगी। अब सीसेट पेपर टू की बात कर ली, अब सबसे बड़ी समस्या जो आती है नॉट स्कोरिंग इन मॉक टेस्ट, ये है भैया सबसे भयानक समस्या। इस समस्या ने ना जाने कितनों को खा लिया। हमने जनरल स्टडीज प्रिपेयर कर लिया है, हम जनरल स्टडीज में सही हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक आईआर आर्ट एंड कल्चर, ये सब हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है सर, कहीं से भी जो मर्जी पूछ लो। करंट अफेयर पूछ लो सर, पिछले 24 महीने में से जो पूछना है अभी बताऊंगा। मॉक टेस्ट सर 50 मॉक टेस्ट दे चुका हूँ, मॉक टेस्ट के नंबर सर बस वहीं कम आते हैं। तो ये जो समस्या है सबसे खराब समस्या है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें आता सब है, मेहनत हमने पूरी कर ली, आउटकम कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज होती है। अभी अगर ये समस्या है तो आपका जो हार्डवर्क है वो रिस्क में है। अब हमें क्या करना है कि हर रोज अपना एक टारगेट रखना है कि कम से कम हमें 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी दो मॉक टेस्ट एनी हाउ हमें सॉल्व करने हैं। दो मॉक टेस्ट कौन से, एक नया मॉक टेस्ट, वो वाला मॉक टेस्ट जो हम पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, और दूसरा मॉक टेस्ट वो जो हम पहले कभी अटेम्प्ट कर चुके हैं जिसके क्वेश्चन, एक मॉक टेस्ट नया और दूसरा मॉक टेस्ट हम करेंगे रीअटेम्प्ट, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है रीटेक मॉक टेस्ट। तो आपको वही जो एक मॉक टेस्ट आप ले चुके हो उसको फिर से लगाना है और ट्राई करना है कि आप उसमें 180 प्लस मार्क्स ला पा रहे हो या नहीं, यही चीज है जो आपको आगे बढ़ाएगी। और इसके अलावा मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा फैक्ट हो सके आप रट लो, 1000 आपके लिए एक छोटा नंबर होगा, क्योंकि आप जीएस में ऑलरेडी एक्सीलेंट हो तो आपको फैक्ट रटने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, और आपके पास फैक्ट का भंडार भी ऑलरेडी होगा। बट उस फैक्ट के भंडार को आगे बढ़ाओ, क्योंकि अगर 15 क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जिनको आप फैक्ट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, तो 30 नंबर आप ये मत ही छोड़ो। उसके बाद जब भी आप टेस्ट को, जो आपके मॉक टेस्ट है उनको रीटेक करोगे, तो आपकी चीजें बाय द टाइम इम्प्रूव होंगी। और ऐसा भी नहीं है, आप अगर 15 से 20 दिन भी ये कर लोगे आने वाले, अभी 90 दिन तो बहुत बड़ी चीज होती है, 15 से 20 दिन भी अगर आप ये चीज करते हो रीटेक मॉक टेस्ट वाली प्रोसेस, तो आपको ऑटोमेटिकली देखने लगेगा कि हाँ मैं कुछ गेन कर रहा हूँ, क्योंकि रीटेक जो जिस टेस्ट का होगा उसमें तो आपने 180 प्लस करने ही करने, क्योंकि आपने सारे ही आंसर पता है और आप ऑलरेडी समझ भी चुके हो, लेकिन जो नया टेस्ट होगा आप देखोगे कि हाँ आप उसमें भी बेहतर कर रहे हो। तो इसको आप कम से कम 15 दिन अभी करके देखो, आपको रिजल्ट तुरंत से मिलना चालू हो जाएगा। अगर फिर उसके बाद अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो आपके लिए ये सबसे बड़ी खतरे वाली चीज है, जिनका जीएस कमजोर है वो ग्रुप डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं आने वाले एक महीने तक, उसके बाद तो भैया सेल्फ स्टडी करो। जिनका करंट अफेयर कमजोर है वो भी ग्रुप डिस्कशन में भाग ले सकते हैं, लेकिन जो मॉक टेस्ट में सही से नंबर नहीं ला रहे हैं उनके लिए ग्रुप डिस्कशन मतलब जहर। जहर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने जीएस भी आता है, करंट अफेयर भी आता है, किसी ने कुछ पूछा आपने तुरंत बता दिया, अब आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका रहेगा हाई, बोलना चाहिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो,
तो इस चीज को अवॉइड करो, आपके पास पूरा ज्ञान ऑलरेडी है। अभी ग्रुप डिस्कशन हटाओ, अपना अकेले में अलोन डिस्कशन चलने दो, सेल्फ डिस्कशन चलने दो भैया, और 200 क्वेश्चन मिनिमम हर रोज लगाओ, और टेस्ट को रीटेक करना बिल्कुल ना भूलो। बाकी टाइम में क्वेश्चंस फैक्ट को मगअप करो, और जो आपका करंट अफेयर का डेली प्रोसीजर चल रहा हो उसको आप वैसे ही कंटिन्यू रखो। फिर उसके बाद बात आती है कि मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है सर हम, तो मेंटली प्रिपेयर्ड ना होने के दो ही कारण होते हैं। पहला तो एक इंसान होता है, वो होता है नाकारा और मक्कार, उसके बस का कुछ होता नहीं है और बस वो मेंटली प्रिपेयर्ड। और दूसरा इंसान वो जिसके लाइफ में वास्तव में कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं। यार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, एग्जाम से एक महीने पहले, दो महीने पहले, तीन महीने पहले किसी के फादर की डेथ हो जाती है, किसी के मदर की डेथ हो जाती है, या कोई बहुत बड़ा फैमिली का ऐसा प्रेशर आ जाता है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इंसान थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। बट देट डजेंट मीन कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो एग्जाम के लिए, नहीं, आप डिस्टर्ब्ड हो अपनी पर्सनल लाइफ में या सोशल लाइफ में, बट आप अपने दिमाग को अगर एक बार फोकस करने की कोशिश करेंगे तो आपका काम तुरंत हो जाएगा, आपका दिमाग तैयार है यूपीएससी एग्जाम के लिए। अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको अपने लाइफ में है तो आप ट्राई करो कि उस चीज को ओवरकम करो। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती। जिन लोग का सिलेक्शन हो जाता है आप उनसे पूछो, भैया कोई बताता है कि जिस दिन पेपर देने जा रहा था रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया था, हाथ से खून निकल रहा था, मैं दूसरी जगह पेपर लिख रहा था, है ना, मतलब किसी के एक हाथ से खून निकल रहा है और दूसरे हाथ से वो पेपर लिख रहा है और फिर उसका सिलेक्शन भी हो रहा है। तो ये होता है, यहाँ ना ये भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, आप ये परीक्षा में आपको पास होना बहुत जरूरी है। परीक्षा में आप पास हो जाते हो तो आप अपने आप को प्रूफ कर लोगे। सो ये बात हो गई मेंटली प्रिपेयर्ड ना होने की। और जो लोग सिर्फ मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं फिर भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उनको जो दिखे वो करे, और अगर उन्होंने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो अनसब्सक्राइब करके चले भी जाए। वो ऐसे लोग का कुछ हो नहीं सकता, तो कुछ आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी मत करो कहीं भी, आराम से जाओ खेलो कूदो पढ़ो, और किसी खेल के मैदान में आराम से खेलो, मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन दिला। ये पूरा एक स्ट्रेटजी मैंने छोटी सी बनाई थी उन लोगों के लिए जिनको स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम है। होपफुली आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, नहीं मिला है तो बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में पूछ लो, नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया होगा, वहाँ जाके आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ट्विटर पे आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईमेल भी लिख सकते हो, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दे दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, अच्छी लगी हो स्ट्रेटजी कमेंट करो, लाइक करो, नहीं लगी हो डिसलाइक करो और बताओ कि क्यों अच्छी नहीं लगी, और अपनी प्रॉब्लम भी साथ में बताओ। थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, जैसा हम सभी को पता है 3 महीने बचे हुए हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, और सभी के मन में एक डाउट होगा कि यार इस टाइम क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ दिया जाए, एक कंफ्यूजन जैसी स्थिति क्रिएट होती है। इसके साथ साथ सभी लोगों की कोई ना कोई प्रॉब्लम भी साथ में है, सो डिस्कस करते हैं उन्हीं सब प्रॉब्लम्स पे। मेरा नाम परमेश जैन है और आप ये लेक्चर देख रहे हैं प्लस परमेश ई लाइब्रेरी पे। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ मोटिवेशनल आपको सुनाना चाहूंगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सो हमें अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा हर कदम पे, क्योंकि ये परीक्षा का समय है, ये 3 महीने में आप जो करेंगे उसी का फल आपको एग्जाम में मिलेगा। सो बढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या हम गलतियां करते हैं। कुछ लोगों की अलग ही प्रॉब्लम होती है, उनका कहना होता है कि मैंने करंट अफेयर को फॉलो नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने करंट अफेयर पे ध्यान नहीं दिया, तो इस समस्या से कैसे निपटेंगे ये भी हम आगे अभी देखेंगे। फिर कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सर मैंने जनरल स्टडीज भी पढ़ा हुआ है अच्छे से, मैंने करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट मॉक टेस्ट नहीं लिए।
सो ये बेसिकली कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, मैं इसको प्रॉब्लम की कैटेगरी में नहीं डालता हूँ, बस ये थोड़ा सा डर होता है जिसको हमें निकालना होता है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। फिर इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है कि मैं सीसेट पेपर टू के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इस चीज के लिए नहीं हूँ, यानी कि मैथ्स एप्टीट्यूड रीजनिंग इन सभी चीजों में अभी हमारा फोकस नहीं हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि शायद मेरा ये पेपर सेकंड की वजह से सिलेक्शन रुक जाए। तो इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे कि इस चीज को कम से कम समय में कैसे हम पार कर सकते हैं। फिर उसके अलावा ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आई एम नॉट वीक इन जीएस, मैं ना तो जनरल स्टडीज में वीक हूँ, मैंने करंट अफेयर भी बहुत अच्छे से फॉलो किया है, मैंने मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छे से लिए हैं, लेकिन मैं मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, यदि ये आपके साथ है सो आपको ये वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जनरल स्टडीज अच्छे से पढ़ लिया है, करंट अफेयर भी आप फॉलो कर ही रहे हो, आपने मॉक टेस्ट भी लिए हैं, लेकिन उन मॉक टेस्ट में आपके नंबर नहीं आ रहे। सो ये कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। फिर उसके अलावा प्रॉब्लम हो सकती है कि मे बी आई एम नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली, मैंने यहाँ एक शब्द डाला है मे बी। मे बी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक जब भी आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो किसी चीज़ के लिए, तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ही होता है। सो वो कन्फ्यूजन को शो कर रहा है ये शब्द मे बी। और यहाँ फिर कुछ लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि आई नीड सम मोटिवेशन, अभी उनको मोटिवेशन भी चाहिए होता है। सो जिनकी ये प्रॉब्लम है आई नीड सम मोटिवेशन, उनके लिए ये स्लाइड डली हुई है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और भी मोटिवेशन चाहिए तो आप थोड़ा सा एक आध दो स्टोरी समझ लें, इस पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। जो मेन प्रॉब्लम है, अब बढ़ते हैं हम उन मेन प्रॉब्लम्स की तरफ। सबसे पहली प्रॉब्लम, आई एम वीक इन जीएस। अगर आपको लगता है कि आप जनरल स्टडीज में वीक हैं, तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होना चाहिए? जो पहली चीज है, आप ये मत सोचो कि कोई भी जनरल स्टडीज में परफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है 200 मार्क्स का, आपका जीएस पेपर 1 होता है, और वहाँ 105 110 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि 50% यदि आप मार्क्स ले आते हो वहाँ तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। सेम इन मेंस एग्जामिनेशन, आपका 20 अप्रोक्स 2100 मार्क्स का एग्जाम होता है, और वहाँ आप 700 800 900 1000 नंबर तक ले आते हो और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। सो ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा जीएस में कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता भी नहीं है, सभी गलतियाँ करते हैं। सो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी मत कीजिए ये सोच के कि मैं जीएस में वीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और चीज़ें हमें गलत लगने लगती हैं, क्योंकि हमें अपने मन में लग रहा है कि मैं वीक हूँ, तो इस चीज का सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। जीएस में वीक जो लोग अभी हैं और वो 2020 का पेपर देने वाले हैं या देने का मन बना रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने सोर्सेस को लिमिट कर लो। जो आपके सोर्सेस बहुत सारे हैं ना, आप जैसे हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत से भी पढ़ रहे हैं, डीडी बसु भी देख रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी देख रहे हैं, और ये वेबसाइट के ये नोट्स, वो वेबसाइट के वो नोट्स, ये सब वो सब मटेरियल की बहुत ज़्यादा बम्बार्टिक है आज की डेट में मार्केट में। तो इसलिए आप अपने आप को लिमिट करके रखें किसी भी एक सोर्स पे। और अगर आपको लगता है कि आप जीएस में वीक हैं, तो आई थिंक कि आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनसे स्विच कर जाना चाहिए कोचिंग मटेरियल पे, या तो विजन आईएएस, बाजीराम एंड रवि, इनका अगर आपको मटेरियल अवेलेबल होता है तो आप ये मटेरियल परचेस करें और इससे पढ़ें। क्योंकि ये जो कोचिंग का मटेरियल होता है, इसमें सभी चीज़ें लाइन वाइज जमी हुई होती हैं, जैसे आपको सीक्वेंस वाइज बोलना चाहिए बेसिकली, इसमें सीक्वेंस से सभी चीज़ें जमी हुई होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और क्योंकि ये मटेरियल स्पेशली आईएएस स्टूडेंट के लिए तैयार किया जाता है, तो उसकी अप्रोच भी वही एग्जाम की होती है। लाइक आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो वो एक बुक है जिसका यूज आप यूपीएससी के लिए भी कर सकते हो, स्टेट पीएससी के लिए भी कर सकते हो, और दूसरे एग्जामिनेशन के लिए भी आप उस बुक का यूज करते हो। लेकिन अगर बात की जाए विजन के मटेरियल की, बाजीराम के मटेरियल की, तो वो मटेरियल सिर्फ और सिर्फ आईएएस एग्जाम के लिए होता है। सो अभी हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं, हमें अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं,
ये सभी चीजें जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कहाँ से मिलेंगी कैसे मिलेंगी उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, सो डिस्क्रिप्शन भी जरूर देखें। अगर हम जीएस में वीक हैं तो चीजें कैसे निकल के आएंगी कि हम जीएस के क्वेश्चन में ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो हमें सबसे पहले क्या करना है भैया, कम से कम 1000 फैक्ट पहले से रटना चालू कर दो, क्योंकि जीएस में अब हम ऑलरेडी वीक हैं, समझ समझ के पढ़ना और ये सब चीजें छांट छांट के पढ़ना वो सब टाइम हमारे पास बचा नहीं है। सो हमारे पास मिनिमम 1000 फैक्ट ऐसे होने चाहिए कि उन फैक्ट का यूज करके हम अपना आंसर निकाल लें। कभी कभी क्या होता है, हमें पता है कि अकबर की माँ का नाम फलाना है, भैया अभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि बीरबल की माँ का नाम बताओ और चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन में अकबर की माँ का नाम लिखा है, तो कम से कम आप एलिमिनेट करके तो उस चीज को हटा सकते हो ना। आपने भले नहीं पढ़ा कि बीरबल की माँ का क्या नाम है, लेकिन आपको पता था कि अकबर की माँ का क्या नाम है, इस फैक्ट का यूज करके आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। इसी तरीके से आप दूसरा नाम भी एलिमिनेट कर सकते हो, तीसरा भी कर सकते हो। तो इसलिए अपने पास जो एक आपका डेटाबेस होता है उस डेटाबेस में कम से कम 1000 फैक्ट रखो, किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुए, कितने हुए, किस अमेंडमेंट में क्या हुआ, किस आर्टिकल जो मेन आर्टिकल है उन आर्टिकल्स में क्या होता है क्या हुआ, उसके अलावा इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्ट, हिस्ट्री के टाइमलाइनर्स थोड़े कुछ आपके दिमाग में होने चाहिए कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, फिर कौन आया। इसके अलावा पोस्ट कौन कौन सी होती थी, अब जैसे जो राजा होते थे उनके दरबार में भी पोस्ट होती थी और उनके जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था पूरे राज्य में उसमें क्या पोस्ट होती थी, इस तरीके के कुछ हमें फैक्ट रटने ही पड़ेंगे क्योंकि हमसे गलतियां ना हो और हम चीजों को एलिमिनेट भी कर पाए। जब भी आप 1000 फैक्ट रट लोगे तो यूपीएससी एग्जामिनेशन में आप ये मान के चलो कि आपके पास 2 से 3 हजार फैक्ट का ज्ञान होगा, या तो आप फैक्ट को डायरेक्ट अप्लाई करोगे या उस फैक्ट का यूज करके कोई एक आंसर एलिमिनेट कर दोगे और आप सही आंसर की तरफ बढ़ जाओगे। इसके आगे हमें क्या करना है, क्रिएट योर ओन माइंड मैप्स, आप अपने दिमाग का उपयोग करें चीजों को रटने में। माइंड मैप क्या होता है, माइंड मैप मतलब जैसे मैंने अब जब भी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे केमिस्ट्री में तो हम उसका कैसे बनाते थे, हलीना के रप्सस पर यानी हाइड्रोजन हीलियम इस तरीके से बना लेते थे, तो ये इसी चीज को बोला जाता है माइंड मैप्स। आपको छोटे छोटे माइंड मैप बनाने होंगे जो कि बड़ी बड़ी चीजें एक बहुत ज्यादा ज्यादा चीजें कुछ कवर करते हों। अगर आपको चाहिए कि ये माइंड मैप मैं यहाँ से प्रोवाइड करवाऊँ आपके लिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ आप एक मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं अगर ज्यादा लोग ये डिमांड करते हैं तो माइंड मैप्स मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाने लगूंगा। फिर उसके बाद आपको लॉजिकल होना है एट द टाइम ऑफ स्टडिंग समथिंग, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है स्टडिंग, मैंने यहाँ नहीं लिखा है रीडिंग, आपको पढ़ना नहीं है, आपको चीजों को स्टडी करना है, स्टडी मतलब अध्ययन करना है, समझना है, उसके अंदर से खोद के चीजें निकालनी होती है तब जाके वो ज्ञान काम में आता है यूपीएससी में। सो आपको लॉजिकल होना पड़ेगा कि भाई महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों बंद कर दिया, क्या रीजन था, तो ये क्या होता है, एक लॉजिक होता है, आपके पास लॉजिक होना ही चाहिए हर चीज में, आपको पता होना चाहिए चीजें क्यों हो रही थी, क्यों हो रही हैं और आगे क्या हो सकता है, तो आपको हर चीज में लॉजिकल होना पड़ेगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट होता है या कुछ आपका प्रश्न बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में, फिर उसके अलावा जो अगली प्रॉब्लम आती है करंट अफेयर्स की कि भाई जिस तरीके से करंट अफेयर पढ़ना चाहिए था उस तरीके से तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब उस तरीके से नहीं पढ़ा तो हमारा क्या हो गया, वो पार्ट कमजोर हो गया और करंट अफेयर में से क्वेश्चन आने ही आने हैं और कम भी नहीं आने बहुत ज़्यादा आने हैं, हमने पढ़ा नहीं है तो ये श्योर है कि सिलेक्शन नहीं ही होगा। अब हमें चाहिए सिलेक्शन चाहिए तो हमें करंट अफेयर मस्ट है, 100% जरूरी है, बिना करंट अफेयर के सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ जो हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, सबसे पहले करंट अफेयर कवर नहीं है, दिमाग पे प्रेशर आया, हमने अपना होश खो दिया कि अब नहीं हुआ मेरा करंट अफेयर। फिर हमने क्या किया, जब हमारा दिमाग अशांत है, हमारा दिमाग इस सिचुएशन में नहीं है कि हम डिसीजन ले पाए, हमने उस सिचुएशन में एक डिसीजन लिया कि मैं एक काम करता हूँ कि जितने भी पुराने न्यूज़पेपर मेरे बॉक्स में पड़े हुए हैं मैं उन सबको पढ़ना चालू करता हूँ, या फिर जो करंट अफेयर के डेली करंट अफेयर वीडियोस पड़े हुए हैं पुरानी तारीखों के मैं उनको देखना चालू करता हूँ। तो यहाँ जैसे ही आपने ये किया कि आपने पुराने न्यूज़पेपर पढ़े और पुराने डेली करंट अफेयर के वीडियो पढ़े, वहीं आपने गलती कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
आपको क्या करना है, आपको लेक्चर्स देखने हैं, लेकिन आपको देखने हैं मंथली करंट अफेयर के लेक्चर। अब जो लास्ट मंथ भी है ना, उनके भी मंथली करंट अफेयर के लेक्चर देखने हैं। जैसे ही आप ये कवर कर लेते हो तो आप ये ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ अभी मैं करंट अफेयर में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊंगा। उसके अलावा कई बार क्या होता है, क्वेश्चन करंट अफेयर का होता है लेकिन उसका नेचर स्टेटिक होता है। जैसे कि आप एक बस आपको एक छोटी सी लिस्ट बना लेनी है करंट अफेयर्स, अगर आपने कवर नहीं किया है तो। वो लिस्ट में क्या होगा, कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनएसओ क्या है, एनएसएसओ क्या है, उसके अलावा यूपीएससी क्या है, तो जितनी भी इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ क्या है, फांसी क्या है, तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन की आपको लिस्ट बनानी है। इनका वर्किंग प्रोसीजर क्या है, सरकार इनको फंड कर रही है नहीं कर रही है, ये सभी चीजें आपने कर लेनी है। अभी भी डरने की कोई बात है नहीं, क्योंकि अभी विजन आईएएस जिंदाबाद है। विजन आईएएस हर साल लाता है PT 365 कोर्स। वो कोर्स का जो मटेरियल होता है, वो मटेरियल लास्ट एक साल का करंट अफेयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है, जिसमें कि हमें डरने की कोई जरूरत होती नहीं है। तो हमें या तो विजन आईएएस की वेबसाइट पे जाना है और उनका वो कोर्स ज्वाइन कर लेना है। कोर्स अभी एक आध महीने बाद आएगा, तो हम क्या हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे कि चलो विजन आईएएस से हमारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। या फिर उसके जो नोट्स होते हैं PT 365 के, वो हमें परचेस कर लेने हैं। तो हम इस तरीके से करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हमारा करंट अफेयर रेडी नहीं है तो हमें एटलीस्ट 20 से 30 करंट अफेयर के मॉक टेस्ट देने ही हैं, बाय हुक बाय क्रुक। कैसे भी हमें, मतलब 20 ये जो मैंने लिखा है ये मिनिमम नंबर है। अगर करंट अफेयर कवर नहीं है तो आप इससे 2 गुने और 3 गुने टेस्ट भी दो। क्या होगा, टेस्ट में नंबर भले ना आए लेकिन जब भी आप उसका सही आंसर पढ़ोगे तो आपका करंट अफेयर तो प्रिपेयर हो ही रहा है ना भैया। कितना ही पूछेगा यार, करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई चीज़ें हुई नहीं होती हैं, और अगर 20 25 30 मॉक टेस्ट भी देते हो ना तो क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे। जो गवर्नमेंट स्कीम है उनकी एक लिस्ट अभी आएगी, तो वो लिस्ट आप बिल्कुल प्रिपेयर करें, रेडी रखें। और साथ में मैं भी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है उन सबका एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो भी देखें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब का बटन है, उसके बगल में बेल आइकन है, दोनों दबा के फ्री हो जाओ। जिस दिन भी मैं वीडियो डालूंगा उस दिन आपको क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन, और तुरंत देख के कवर कर लेना। इसके बाद हाँ, ये करंट अफेयर वाले में मैंने एक चीज छोड़ दी है, आपको बताना मैं भूल गया, अभी बता देता हूँ कि भैया सबसे बड़ा क्वेश्चन कि करंट अफेयर पढ़ना कितने महीने का है, यानी क्या कितने साल का पढ़ना है। सही अप्रोच और सही स्ट्रेटजी ये होती है कि मिनिमम 2 साल का करंट अफेयर आपके दिमाग के डेटाबेस में भरा हुआ होना चाहिए और ऑन डिमांड बाहर निकलना चाहिए। कितना, लास्ट के 2 साल का मिनिमम। लेकिन फिर भी आप अभी 3 महीने बचे हैं, हो सकता है कोई और भी प्रेशर हो, तो आप कम से कम 1 साल का करंट अफेयर आपने करना ही पड़ेगा। यानी कि लास्ट मई से आपको उठाना चालू करना है और अभी एग्जाम के 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर आपके दिमाग के डेटाबेस में सेव होना चाहिए और ऑन डिमांड बाहर निकलना चाहिए। ऑन डिमांड बाहर कब निकलेगा, जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। अब बात करते हैं अगली समस्या की। यहाँ जो समस्या है वो है मॉक टेस्ट, कि सर मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए। तो भैया ये कुछ नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है। क्या है, आपके दिमाग पे है एग्जाम का प्रेशर, तो आप डरे हुए हो। क्या होता है, कभी कभी हमें पता भी होता है कि चीजें कहाँ गलत हो रही हैं या क्यों गलत हो रही हैं, फिर भी हम जाते हैं अपने मम्मी पापा से बोलते हैं, मम्मी पैर दुख रहा है। आपको भी पता है कि कौन सी दवाई लगानी है, मम्मी भी वही दवाई बताती हैं आपकी, और फिर आप वही दवाई लगा भी लेते हो। सो बस ये क्या होता है, जब भी हम छोटी सी भी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग को, मतलब हमारा दिमाग ऐसे हो जाता है कि हमें अपनी बात पे भरोसा नहीं रहता। तो वही चीज है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, अपने पास इनफ टाइम है, 90 दिन बचे हुए हैं, लगभग 3 महीना अपने पास अभी बचा हुआ है, जहां हम 30,000 से 50,000 क्वेश्चन इजीली लगा सकते हैं। उसके बाद अभी यही चीज है कि आपने मॉक टेस्ट अरेंज करने हैं और सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। लेकिन यहाँ हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लिए, मॉक टेस्ट सॉल्व करने का टाइम, हमें सुबह 10 बजे बैठना है मॉक टेस्ट सॉल्व करने और 12 बजे खत्म कर देना है कम से कम एक पेपर। उसके बाद भी करना है हमें मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट लेने हैं,
लेकिन दिन का पहला मॉक टेस्ट हमें 10 बजे ही लेना है, उसके पहले नहीं लेना, उसके बाद में भले कितने भी लेते रहें। क्यों? क्या होता है कि हम जब भी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो रात भर जाग रहे होते हैं, दिन भर सो रहे होते हैं, तो इस हिसाब से हमारे दिमाग जो होता है वो उस 24 घंटे के रूटीन का आदी हो जाते हैं। फिर जब हम मॉक टेस्ट घर पे लगाते हैं तो क्या करते हैं, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, अगर मेरा सबसे बढ़िया समय 6 से 8 बजे है शाम को, तो मैं उस टाइम लगाऊंगा, अच्छा स्कोर करूंगा और सोचूंगा कि अभी तो मैं एग्जाम हॉल में भी अच्छा करूंगा। बट ऐसा नहीं होता, हो सकता है कि सुबह 10 बजे के लिए आपका खुद का दिमाग प्रिपेयर ना हो उस चीज को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम 10 बजे से चालू होता है और 12 बजे खत्म होता है जीएस पेपर 1, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसी टाइम पे लगाएं और आप अपने दिमाग को इस तरीके से आदी बनाएं कि वो 10 बजे से 12 बजे तक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। ये आपके दिमाग का मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का। अब बढ़ते हैं आगे। ये जो 10 बजे से 12 बजे तक का टाइम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि आपको अपने दिमाग से कैसे काम लेना, क्योंकि दिमाग को भी आदत होती है ना चीजों की। हर रोज हमें कैसे पता चलता है कि ये अब नेचर कॉल है, और उसी टाइम पे लगभग पता चलता है, क्योंकि हमारे दिमाग को सब पता है कि अब हमें क्या करना है। हर रोज 10 बजे लगाएंगे, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन भी हमारे दिमाग को पता होगा कि चलो अब मॉक टेस्ट का टाइम आ गया, और वहाँ भी दिमाग वैसे ही वर्क करेगा। अब बात करते हैं सीसेट पेपर 2 की। जिनको ये प्रॉब्लम है कि उनका सीसेट पेपर 2 की तैयारी नहीं है, उनको डरने की बहुत खासम खास जरूरत है नहीं, क्योंकि ये बहुत माइनर इशू है। अगर आप चाहो तो 40 से 50 घंटे के अंदर ये चीज़ आप इजीली कवर कर सकते हो। करना क्या है, कुछ नहीं करना, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठाओ, सॉल्व करना चालू कर दो, उनका सॉल्यूशन देखो। मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं इस चीज़ के लिए, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से खरीद सकते हो लास्ट ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर। आपने वो बुक परचेस करी, अभी मैं तो कहता हूँ वीडियो देखने के तुरंत बाद परचेस करना आप अमेजोन से वो बुक। लिंक भी मैं चलो डिस्क्रिप्शन में इसकी भी दे दूंगा, अमेजोन पे जाना है, ये बुक परचेस करनी है और तुरंत से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देने है हमें। जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें सीख लेना है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को या पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, और वही चीज हमें सीख लेनी है। अगर हम चाहें तो इक्का दुक्का टॉपिक स्किप भी कर सकते हैं, जैसे हमको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो चलो छोड़ दो, क्योंकि यूपीएससी में ना बहुत ज्यादा इस चीज का प्रेशर लेना भी नहीं चाहिए और होता भी नहीं है कि सी सेट सी सेट सी सेट, ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। बट एक चीज हमेशा याद रखें कि यूपीएससी के सी सेट पेपर 2 में बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं, इवन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो साल भर ये सोचते हैं कि ये तो मेरा ही सब्जेक्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, प्रैक्टिस करके जानी ही जानी है। और यहाँ मैं जिस चीज पे फोकस करूंगा वो चीज है कि आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये चीज आपको दो तरीके से फायदा पहुंचाएगी। एक तो आपका पेपर में क्वेश्चन सही से सॉल्व कर पाओगे आप अपने एग्जाम में, और दूसरी चीज जब भी आप जीएस का कुछ पढ़ रहे होगे या करंट अफेयर का कुछ पढ़ रहे होगे तो उस समय आप चीजों को एक बार पढ़ोगे और उसका पूरा समरी निकाल लोगे, आपको चीजों को 2 3 4 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ो ही मत, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा कवर कर लो, है ना, भले सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ दो, भले क्लॉक छोड़ दो, भले कुछ भी छोड़ दो, आप इक्का दुक्का टॉपिक आप छोड़ सकते हो, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मत छोड़ना। ये आपको दो जगह फायदा देगा, सबसे पहले सीसेट पेपर 2 में तो देगा ही देगा, ये तो बनी हुई बात है, और उसके अलावा हमारा माइंड सेट ऐसा हो जाएगा कि हम किसी भी चीज को एक बार पढ़ेंगे और उसका समरी निकाल लेंगे, तो ये चीज आपको वहां भी लाभ पहुंचाएगी। अब सीसेट पेपर 2 की बात कर ली, अब सबसे बड़ी समस्या जो आती है नॉट स्कोरिंग इन मॉक टेस्ट, ये है भैया सबसे भयानक समस्या। इस समस्या ने ना जाने कितनों को खा लिया। हमने जनरल स्टडीज प्रिपेयर कर लिया है, हम जनरल स्टडीज में सही हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक आईआर आर्ट एंड कल्चर, ये सब हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है सर, कहीं से भी जो मर्जी पूछ लो। करंट अफेयर पूछ लो सर, पिछले 24 महीने में से जो पूछना है अभी बताऊंगा। मॉक टेस्ट सर 50 मॉक टेस्ट दे चुका हूँ, मॉक टेस्ट के नंबर सर बस वहीं कम आते। तो ये जो समस्या है सबसे खराब समस्या है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना सबसे ज़्यादा जरूरी है।
क्योंकि हमें आता सब है, मेहनत हमने पूरी कर ली, आउटकम कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज होती है। अभी अगर ये समस्या है तो आपका जो हार्डवर्क है वो रिस्क में है। अब हमें क्या करना है कि हर रोज अपना एक टारगेट रखना है कि कम से कम हमें 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी दो मॉक टेस्ट एनी हाउ हमें सॉल्व करने हैं। दो मॉक टेस्ट कौन से? एक नया मॉक टेस्ट, वो वाला मॉक टेस्ट जो हम पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, और दूसरा मॉक टेस्ट वो जो हम पहले कभी अटेम्प्ट कर चुके हैं जिसके क्वेश्चन। एक मॉक टेस्ट नया और दूसरा मॉक टेस्ट हम करेंगे री अटेम्प्ट, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, रीटेक मॉक टेस्ट। तो आपको वही जो एक मॉक टेस्ट आप ले चुके हो उसको फिर से लगाना है और ट्राई करना है कि आप उसमें 180 प्लस मार्क्स ला पा रहे हो या नहीं। यही चीज है जो आपको आगे बढ़ाएगी। और इसके अलावा मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा फैक्ट हो सके आप रट लो। 1000 आपके लिए एक छोटा नंबर होगा, क्योंकि आप जीएस में ऑलरेडी एक्सीलेंट हो, तो आपको फैक्ट रटने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, और आपके पास फैक्ट का भंडार भी ऑलरेडी होगा। बट उस फैक्ट के भंडार को आगे बढ़ाओ, क्योंकि अगर 15 क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जिनको आप फैक्ट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, तो 30 नंबर आप ये मत ही छोड़ो। उसके बाद जब भी आप टेस्ट को, जो आपके मॉक टेस्ट है उनको रीटेक करोगे, तो आपकी चीजें बाय द टाइम इम्प्रूव होंगी। और ऐसा भी नहीं है, आप अगर 15 से 20 दिन भी ये कर लोगे आने वाले, अभी 90 दिन तो बहुत बड़ी चीज होती है, 15 से 20 दिन भी अगर आप ये चीज करते हो रीटेक मॉक टेस्ट वाली प्रोसेस, तो आपको ऑटोमेटिकली देखने लगेगा कि हाँ मैं कुछ गेन कर रहा हूँ। क्योंकि रीटेक जो जिस टेस्ट का होगा उसमें तो आपने 180 प्लस करने ही करने, क्योंकि आपने सारे ही आंसर पता है और आप ऑलरेडी समझ भी चुके हो। लेकिन जो नया टेस्ट होगा आप देखोगे कि हाँ आप उसमें भी बेहतर कर रहे हो। तो इसको आप कम से कम 15 दिन अभी करके देखो, आपको रिजल्ट तुरंत से मिलना चालू हो जाएगा। अगर फिर उसके बाद अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो आपके लिए ये सबसे बड़ी खतरे वाली चीज है। जिनका जीएस कमजोर है वो ग्रुप डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं आने वाले 1 महीने तक, उसके बाद तो भैया सेल्फ स्टडी करो। जिनका करंट अफेयर कमजोर है वो भी ग्रुप डिस्कशन में भाग ले सकते हैं। लेकिन जो मॉक टेस्ट में सही से नंबर नहीं ला रहे हैं उनके लिए ग्रुप डिस्कशन मतलब जहर। जहर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने जीएस भी आता है, करंट अफेयर भी आता है, किसी ने कुछ पूछा आपने तुरंत बता दिया, अब आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका रहेगा हाई। बोलना चाहिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो, तो इस चीज को अवॉइड करो। आपके पास पूरा ज्ञान ऑलरेडी है, अभी ग्रुप डिस्कशन हटाओ, अपना अकेले में अलोन डिस्कशन चलने दो, सेल्फ डिस्कशन चलने दो भैया, और 200 क्वेश्चन मिनिमम हर रोज लगाओ, और टेस्ट को रीटेक करना बिल्कुल ना भूलो। बाकी टाइम में क्वेश्चंस फैक्ट को मगअप करो, और जो आपका करंट अफेयर का डेली प्रोसीजर चल रहा हो उसको आप वैसे ही कंटिन्यू रखो। फिर उसके बाद बात आती है कि मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है सर हम, तो मेंटली प्रिपेयर्ड ना होने के दो ही कारण होते हैं। पहला तो एक इंसान होता है, वो होता है नाकारा और मक्कार, उसके बस का कुछ होता नहीं है और बस वो मेंटली प्रिपेयर्ड। और दूसरा इंसान वो जिसके लाइफ में वास्तव में कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं। यार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, एग्जाम से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले किसी के फादर की डेथ हो जाती है, किसी के मदर की डेथ हो जाती है, या कोई बहुत बड़ा फैमिली का ऐसा प्रेशर आ जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इंसान थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। बट देट डजेंट मीन कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो एग्जाम के लिए, नहीं, आप डिस्टर्ब्ड हो अपनी पर्सनल लाइफ में या सोशल लाइफ में। बट आप अपने दिमाग को अगर एक बार फोकस करने की कोशिश करेंगे तो आपका काम तुरंत हो जाएगा, आपका दिमाग तैयार है यूपीएससी एग्जाम के लिए। अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको अपने लाइफ में है तो आप ट्राई करो कि उस चीज को ओवरकम करो। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती है। जिन लोग का सिलेक्शन हो जाता है आप उनसे पूछो, भैया कोई बताता है कि जिस दिन पेपर देने जा रहा था रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया था, हाथ से खून निकल रहा था, मैं दूसरे जगह पेपर लिख रहा था, है ना। मतलब किसी के एक हाथ से खून निकल रहा है और दूसरे हाथ से वो पेपर लिख रहा है और फिर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये होता है, यहाँ ना ये भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, आप ये परीक्षा में आपको पास होना बहुत जरूरी है। परीक्षा में आप पास हो जाते हो तो आप अपने आप को प्रूफ कर लोगे। सो ये बात हो गई मेंटली
प्रिपेयर्ड ना होने की। और जो लोग सिर्फ मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं फिर भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उनको जो दिखे वो करे। और अगर उन्होंने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो अनसब्सक्राइब करके चले भी जाएं वो। ऐसे लोग का कुछ हो नहीं सकता, तो कुछ आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी मत करो कहीं भी, आराम से जाओ खेलो कूदो पढ़ो और किसी खेल के मैदान में आराम से खेलो, मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिला। ये पूरा एक स्ट्रेटजी मैंने छोटी सी बनाई थी उन लोगों के लिए जिनको स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम है। होपफुली आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, नहीं मिला है तो बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में पूछ लो। नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया होगा, वहां जाके आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ट्विटर पे आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईमेल भी लिख सकते हो, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दे दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, अच्छी लगी हो स्ट्रेटजी कमेंट करो, लाइक करो, नहीं लगी हो डिसलाइक करो और बताओ कि क्यों अच्छी नहीं लगी, और अपनी प्रॉब्लम भी साथ में बताओ। थैंक यू।